मित्र स्टेडियम में 5 सितंबर से भगत सिंह कबड्डी ट्रॉफी का आयोजन न्यू फ्रेंड्स क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ली। खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के मुख्य अतिथि के रूप में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति में खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। दूर दराज से आई टीमों ने अपने जौहर का प्रदर्शन करते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में अपनी अपनी कौशल का प्रदर्शन किए। 6 सितंबर को कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल रहा, जिसमें अनूपपुर और डिंडोरी के बीच कबड्डी खेलकूद का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। अनूपपुर ने जीत हासिल की और डिंडोरी को पराजय का सामना करना पड़ा। फाइनल खेलकूद के मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक की उपस्थिति में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रूपये नगद शील्ड अनूपपुर कबड्डी कमेटी को दिया गया। उपविजेता कबड्डी कमेंट्री डिंडोरी को 5,000 नगद शील्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजकों युवा खिलाड़ियों को भी विधायक ने पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। कबड्डी प्रतियोगिता खेलकूद के निर्णायक रेफरी के रूप में कठोतिया शिक्षक चूड़ामणि यादव ने अपने भरपूर नायक रूप में रहे। मुख्य अतिथि विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा, मानव जीवन में खेलकूद का महत्व होता है। शारीरिक मानसिक तनाव दूर होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। न्यू फ्रेंड्स क्लब द्वारा कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर कबड्डी को एक नई रोशनी मिली है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संग्राम सिंह, शंकर निगम, नीलेश द्विवेदी व जिला भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री शैलेन्द्र सिंह गहरवार, करकेली भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष बुद्धसेन, भाजपा पदाधिकारी रामलखन तिवारी, मुस्ताक अली, अमूज सिंह आदि युवा उपस्थित रहे। फुटबॉल सबसे ज्यादा मेहनत वाला खेल, दौड़ते रहो उसके पीछे, दौड़ते रहो, सबके सब दौड़ रहे। हम जो पुरानी चीजें जो थी हमारी, उन चीजों को भी यदि खेल प्रारंभ हो रहा है तो उसमें हम सबको सहभागिता लेनी चाहिए। सारा भी है उसका, अगर हम नहीं खेलेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगा कि कबड्डी क्या थी, खो खो क्या थी। वो देखेंगे जो टीवी चल रहा है समय, वो क्रिकेट डंडा तो वही चल रहा है, उसी को देखते रहे। इसलिए हमको भी पुराने खेलों में रुचि रखनी चाहिए, जो हमारे शरीर को, मन को, तन को स्फूर्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है।